ये कहकर कि आप वो पार्टीज हैं जो एक दूसरे के खिलाफ होना चाहिए, आप साथ हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस के काल में किस तरह से वहां पर चलाया जा रहा था, और क्या ये एथनिक फाइट्स तब नहीं हुई थी, क्या ये ड्रग माफिया और ये माफिया उस वक्त सक्रिय नहीं थे, ये सारी बातें उन्होंने याद दिलाई और परिवारवाद पर भी टिप्पणियां कर डाली। बिल्कुल आनंद, जो अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा शुरू हुई, तरुण गोगोई जो गौरव गोगोई हैं उन्होंने चर्चा की शुरुआत की और उनके एक एक बात का जवाब जो सत्ता पक्ष की तरफ से आया उसमें सबसे पहले निशिकांत दुबे थे, उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया और साफ तौर पर प्रधानमंत्री को भी कोट किया कि आज जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने क्या कहा, क्योंकि आपने जो कहा कि बेहद उसी आक्रामक रुख से सत्ता पक्ष के लोग जवाब दे रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट्री मीटिंग में ही आज से दशा और दिशा दोनों ही तय कर दी थी। तो उन्होंने अपने बोलने वाले जिन वक्ताओं को आज नंबर आना था उनको साफ बोला था कि आज जो भी बोलेंगे वो छक्का लगाकर आए, वो सिक्सर लगाकर आए, यानी कि दिशा और दिशा तय कर दी थी कि उसी अंदाज में जवाब देना है जिस अंदाज में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। उनकी धार अगर कुंद करनी है तो उसी अंदाज में जाना पड़ेगा और तथ्यों के साथ तर्कों के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो इंडिया यानी कि जो गठबंधन जिस एलायंस की बात करते हैं वो घमंडिया एलायंस है और उनका जो उनके जो कारनामे रहे हैं पिछले सालों में उनकी सरकार के समय में उनको एक एक करके खोलना है, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये खुद के विश्वास को जो अपोजिशन के जो तमाम राजनीतिक दल जो सहयोगी बने हैं जो पहले एक दूसरे के खिलाफ हमेशा से लड़ते रहे उनके विश्वास को परखना चाहते हैं, एक दूसरे के विश्वास को परखना चाहते हैं विपक्ष के लोग। पर यतेंद्र एक बात बताइए, जो प्रश्न सदन में उठा वो प्रश्न अब तो मेरे मन में भी उठ रहा है कि राहुल गांधी जी कहां थे, अविश्वास प्रस्ताव को लाने वाले राहुल गांधी होने वाले थे, कांग्रेस पार्टी ने तो काफी इस पर माहौल बनाया था, तो क्या फिर लास्ट मोमेंट में रणनीति चेंज कर ली गई, नॉर्थ ईस्ट से किसी चेहरे को चुना गया? बिल्कुल आनंद, लास्ट समय पर कांग्रेस ने अपनी रणनीति चेंज किया, क्योंकि पहले सदन में भी जो संसदीय कार्य मंत्री उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जब गौरव गोगोई का नाम बोला गया तो उन्होंने खड़े होकर बोला कि सेक्रेटरी जनरल के कक्ष में तो एक एप्लीकेशन आई थी कांग्रेस के द्वारा कि गौरव गोगोई की जगह राहुल गांधी बोलना चाहते हैं, इसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से काफी हंगामा। चलिए अरुण सिंह जुड़ रहे हैं, अरुण बताइए कि हुआ क्या है, कांग्रेस की तरफ से हुआ क्या है कि नाम राहुल गांधी का लेकिन वहां चेहरा गौरव गोगोई का, हुआ क्या वहां पर? माहौल तो बहुत राहुल गांधी जी पर बनाया कि उनकी री एंट्री सदन में हो रही है डिस्क्वालिफिकेशन को सेट असाइड करने के बाद, मानसून सत्र में कल वो दिखे थे सदन में लेकिन बोले नहीं, आज लगा कि वो पहली बार इस सत्र में तब बोलेंगे जब अविश्वास प्रस्ताव सामने लाएंगे। देखिए आनंद, ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने और गौरव गोगोई ने कल भी कहा था, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि डिबेट की शुरुआत ही राहुल गांधी करेंगे, और आज सवेरे अपने ट्विटर हैंडल से भी कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि जननायक आज संसद में बोलेंगे। इन सब के बावजूद लास्ट टाइम पे टर्न ऑफ इवेंट्स ऐसे होते हैं और ऐसे बातें बदलती हैं, चीजें बदलती हैं कि खुद गौरव गोगोई को बुलवाया जाता है, उसके पीछे तर्क कांग्रेस पार्टी ये दे रही है कि चूंकि गौरव गोगोई ने ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, चर्चा मणिपुर पर होनी है, वो उधर से ही आते हैं यानी वहीं से चुन के आते हैं नॉर्थ ईस्ट से, तो अच्छा होगा कि उनसे ये डिबेट शुरू करवाई जाए, ये तर्क कांग्रेस दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये तर्क कल नहीं उनको पता था? कल भी तो उनको पता था कि गौरव गोगोई ने नोटिस दिया है, कल भी ये बात उनके सामने थी कि गौरव गोगोई नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और मणिपुर पर यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो ये बातें हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी बोले और उसके बाद निशिकांत दुबे जो जाने जाते हैं गांधी परिवार के ऊपर अटैक करने के लिए उनको पूरा मौका मिले, तो अब निशिकांत दुबे बोल चुके हैं और ऐसे जितने भी लोग हैं उनके बोलने के बाद ही अब राहुल गांधी बोलेंगे। इस बीच आनंद एक बात और है, कल राजस्थान में एक रैली है आदिवासियों की रैली है जिसमें राहुल गांधी को जाना है, तो सवाल यह है कि आज देर शाम ही राहुल गांधी बोलेंगे क्योंकि परसों तो प्रधानमंत्री को जवाब देना है। पॉइंट है, पॉइंट ये भी है अरुण, ये भी है, राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव नहीं रखा, गौरव गोगोई ने उसको रखा, लेकिन राहुल गांधी सदन में मौजूद भी तो नहीं थे, मौजूद क्यों नहीं थे ये प्रश्न भी तो उठता है। चलिए ये बातें आगे, खबरों का सिलसिला भी चलेगा और इस अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही बहस पर भी नजर बनाए रखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। फिलहाल जसप्रीत, टेक इट फॉरवर्ड। बिल्कुल आनंद, और जो सवाल आनंद ने उठाया कि राहुल गांधी सदन में मौजूद नहीं रहे, दरअसल अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा चल रही है, गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की, लेकिन बीजेपी ने सबसे पहले यही मुद्दा उठाया कि राहुल गांधी कहां पर है, क्योंकि राहुल गांधी
चर्चा की शुरुआत करने वाले थे, पहले वक्ता थे, लेकिन आखिरी वक्त में गौरव गोगोई ये चर्चा की शुरुआत करते हैं, जिस पर बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे बोलते हैं और वो कहते हैं कि गरीब के बेटे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो कि 6 महीने बाद संसद में बोलने वाले थे वो गायब रहे, उन्होंने चर्चा की शुरुआत नहीं की। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने कहा कि बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है, ये यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधा। सोनिया गांधी उस वक्त मौजूद थी जब ये बातें निशिकांत दुबे ने कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मकान बनाए, जिस सरकार ने गरीबों के लिए मकान बनाए, उसके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव आया है। मोदी सरकार अपने कार्यकाल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है और इस वक्त चर्चा हो रही है, क्योंकि जो समय दिया गया है वो दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक दिया गया है। कल भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और उसके बाद 10 तारीख को पीएम मोदी जवाब देंगे, क्योंकि सरकार का मुखिया होने के नाते उनको संसद में जवाब देना है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई थी कि आखिरी बॉल में सिक्स मारना है वक्ताओं को, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और शहर का नाम लेते हुए ऐसे अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते, वो उनको बताना चाहिए। दफ्तर में जो बात हम आपके विश्वास में रखते हैं और आप जो बात हमें कहते हैं उसको भी उसकी भी विश्वसनीयता हम बचा के रखते हैं। एक मिनट, तो राहुल गांधी ने पहले शुरुआत नहीं की, हालांकि वो सदन में बैठे हुए थे और अभी भी सदन में बैठे हुए हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, यतेंद्र और अरुण मौजूद हैं। अरुण, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि बीजेपी ने शुरुआत इसी तरह से की निशिकांत दुबे ने कि राहुल गांधी शुरुआत करने वाले थे और इसी पर हंगामा होता है कि आखिरी वक्त में गौरव गोगोई चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप एक तरह से निशिकांत दुबे और बीजेपी के सदस्यों का यह कहना था कि जो लिस्ट आपने स्पीकर्स की दी है लोकसभा सचिवालय में, उसमें राहुल गांधी इस डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, यानी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करने वाले थे, उनका नाम पहले नंबर पे था। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि नोटिस चूंकि गौरव गोगोई ने दिया था, यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर पर आ रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट से चुन के आते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि, इसलिए आखिर किया है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया या इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उन्हीं प्रयासों का एक अहम हिस्सा है और इस बिल का उद्देश्य हमारे सैन्य बलों में निहित अनुशासन की महान परंपरा को और मजबूती देना है, और यह अनुशासन ही है जो हमारे सैनिकों के अंदर न सिर्फ एक आत्मविश्वास ही पैदा करता है बल्कि एक यूनिट या इस्टेब्लिशमेंट के रूप में उनके अंदर एकता की भावना को भी मजबूत करता है। इसलिए यदि अनुशासनहीनता का कोई प्रकरण आता है तो उसका त्वरित निराकरण होना चाहिए और त्वरित निराकरण होना यह अत्यंत आवश्यक भी होता है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 का यह प्रोविजन करता है कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। सभापति महोदय, यह बिल एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने में निश्चित रूप से मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को स्वाभाविक रूप से मजबूत करेगा। महोदय, वर्तमान में जो व्यवस्था है उनके अनुसार चाहे भारतीय सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो, सभी अपने रेस्पेक्टिव एक्ट के द्वारा ही गवर्न होते हैं। जैसे हमारा आर्मी एक्ट है 1950 का, एयरफोर्स एक्ट है 1950 का और इंडियन नेवी एक्ट है F-57 का। इसी के तहत बनाए गए जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हीं के अनुसार सारी चीज़ें गवर्न होती हैं। इस एक्ट के तहत कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड अपनी डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनल पर वह कर सकते हैं। अब तक का यह प्रोविजन है, उन्हें दूसरी सर्विसेज से संबंधित पर्सनल जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं पर डिसिप्लिनरी या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अभी तक अधिकार सभापति महोदय प्राप्त नहीं है। ऐसे प्रोविजन से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में स्वाभाविक रूप से कई बार